Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ये कैसा अनर्थ है, कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया, हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहां कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी, अजय अवश्य है महिषासुर किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है, उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर ना किन्नर, ना पशु ना पक्षी, ना यक्ष ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान, 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 क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है, उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं, महिषासुर के आतंक से जो हमें मुक्ति दिला सकती है वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि देवी रूप में माँ शक्ति ही उसका वध कर सकती है। देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती, किंतु महादेव ये किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को
उनकी भूल के प्राश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव, एक छोटी सी भूल का प्राश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया। आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। गणेश, क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोलकर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती हैं। किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती हैं। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं। आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है। उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए, या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, महादेव। संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी। उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन न ले सके। मैं हूँ महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी।
स्वार्थ से बढ़कर कर्तव्य को महत्व देने वाले ही महान कहलाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.